सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब। मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं SKT टेक चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म दुर्ग यूनिवर्सिटी का 2020 और 21 के लिए यहाँ पर आ चुका है। उसके यहाँ पर एक परफेक्ट पूरा नोटिस भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर जारी कर दिया है। तो उसका जो डेट है वो यहाँ पर 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक है। तो इस नोटिस में यहाँ पर लिखा हुआ है कि छात्र छात्रा वेबसाइट www.durguniversity.ac.in पे क्विक लिंक्स में जाकर ऑनलाइन एडमिशन 2020 और 21 पर क्लिक करके अपना जो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म है वो यहाँ पर भर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर स्नातक प्रथम वर्ष मेंस की, अपना जो ग्रेजुएशन का जो फर्स्ट ईयर होता है उसके लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर COVID-19 के चलते जो पूरा प्रोसेस है पूरे तरीके से ऑनलाइन कर दिया गया है। तो आपको यहाँ पर अपना काम ऑनलाइन ही करना होगा, कोई भी यहाँ पर ऑफलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना होगा। आपको किसी भी काम के लिए कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कोई परेशानी या प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है और ईमेल आईडी है, जिससे आप अपना इशू है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर एक पोर्टल बनाया है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। ये यहाँ पर पूरी तरीके से फ्री है, आपको थोड़ा भी पैसा यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है अगर आप दुर्ग यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन फॉर्म यहाँ पर भरते हैं। तो इसके लिए प्रोसेस क्या है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, उसी के बारे में हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको फॉर्म भरने के लिए सिंपल जाना होगा google.com पे। और फ्रेंड्स, फॉर्म भरने से पहले आपको अपना ईमेल आईडी रेडी रखना, मोबाइल नंबर रेडी रखना, साथ में आपको फ़ोटो है और आपके जो डॉक्यूमेंट्स है जैसे 10th, 12th और माइग्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह आपको पहले से अपने फ़ोन पे स्कैन करके रख लेना है ताकि वहाँ पर फॉर्म भरते टाइम कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर सिंपल आप स्कैन करने के लिए अपना मोबाइल का कैमरा ले सकते हैं। उसके बाद आपको उसमें जो क्रॉप का ऑप्शन है वहाँ पर से आप अच्छे से क्रॉप कर लें। उसके बाद अपने हिसाब से उसका रिसाइज करना होगा। तो उसके यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे आप अपने फोटो को या फिर डॉक्यूमेंट को रिसाइज कर सकते हैं उसके हिसाब से। कोई भी अपने जो ब्राउजर है उस पर ये सेम काम आप अपने स्मार्टफोन में भी कर सकते हैं, जिसमें आपको बस गूगल क्रोम जो ऐप होता है वो खोलना होगा और ऊपर की ओर 3 डॉट्स के थ्रू आप यहाँ पर डेस्कटॉप मोड ऑन कर लेने पर आपका जो काम है बहुत ही स्मूथली हो जाएगा बिना कोई एरर का। तो करना क्या है, आपको यहाँ पर google.com पे जाएंगे, यहाँ पर आपको टाइप करना होगा दुर्ग यूनिवर्सिटी और टाइप करने पे यहाँ पर पहला ही रिजल्ट आपको मिल जाएगा durguniversity.ac.in, वहीं पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे हम क्लिक करते हैं तो आपको ये स्टेप से एक जो मेन जो होम पेज है वो यहाँ पर खुल जाता है और यहाँ पर क्विक लिंक्स दिख रहा है। क्विक लिंक्स यहाँ पर पहले यहाँ पर रेड कलर में यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है, इसमें दिखा कि ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2020-21 मतलब 2020-21 के लिए ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म है। क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको एक दूसरा एक वेबसाइट जिसका नाम है durgvan.youcanapply.com और यहाँ पर आपको राइट साइड में एक यूज़र लॉगिन करके एक सेक्शन है वहाँ पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि आपका जो रजिस्ट्रेशन है अभी तक यहाँ पर विश्वविद्यालय में हुआ नहीं है, इसके लिए आपके यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके लिए आपको खुद का एक ईमेल आईडी होना चाहिए। इसके बाद आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे, पासवर्ड कंफर्म करेंगे तो यहाँ पर आपको जो ये यहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड है वो यहाँ पर फ्यूचर में मतलब जब तक आप इस कॉलेज में इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेंगे तब तक ये काम आने वाला है। तो इसको बहुत ही केयरफुली बनाइएगा और यहाँ पर इसको अच्छे से कहीं पर सेव करके रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर हम इसको फिल करते हैं, यहाँ पर हम ईमेल आईडी डालते हैं और पासवर्ड। तो पासवर्ड डालने के बाद उसको पासवर्ड कंफर्म कर देना, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना, जैसे नाम, तो जैसे मैं यहाँ पर एक सिंपल टेम्परेरी नाम यहाँ पर डाल दे रहा हूँ, राम वर्मा, और डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ भी इंटर कर दिया। उसके बाद आते हैं जेंडर की, अब मेल हो फीमेल हो क्या हो ये सिलेक्ट कर देना। उसके बाद अपना फादर का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर नीचे लिखा है कि प्लीज़ डू नॉट ऐड एनी सल्यूटेशन लाइक डॉक्टर, मिस्टर एक्सेट्रा, यहाँ पर आपको ऐड नहीं करना है। तो सिंपल जो आपके फादर का नाम है वो सेम टू सेम यहाँ पर आपको लिखना होगा। मदर का नेम है वो भी आपको यहाँ पर सेम टू सेम लिख देना होगा। उसके बाद आता है यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर जिसको आप यहाँ पर आपको डालना होगा, उसके बाद ही आप अपना जो काम है वो कर पाएंगे। और नीचे आते हैं, इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कैप्चा को, ये ऊपर जो कैप्चा को है सेम टू सेम यहाँ पर नीचे आपको कॉपी कर देना है। तो ये पूरा फिल करने के बाद आपको नीचे साइन अप बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे और एक बार आपको बोलेगा कि आप चेक कर ले कि आपका नाम क्या है और इंश्योर कर ले कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है और ये सब जो सही है कि नहीं है,
और उसके बाद यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करते हैं ये वाला पेज आता है और यहाँ पर लिखा है कि आवेदन पोर्टल दुर्गा में आपका पंजीकरण स्वीकार किया जाता है। शीघ्र ही आपको सक्रिय लिंक के लिए ईमेल और पुष्टिकरण प्राप्त होगा। इसमें आपको ईमेल खाते में मेल में पृष्ठ का लॉगिन सक्रिय करने का लिंक, यहाँ पर मतलब आपको लॉगिन कंफर्म करने का एक लिंक होगा और उसको आप क्लिक करके अपना जो काम है वो यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। उसके बाद करना क्या है, आपको अपना जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर चेक करना होगा। ओके, तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से आपको ये देखने को मिल जाता है, ईमेल आईडी यहाँ पर मिला हुआ है। यहाँ पर आपका जो नाम होता है आपका ईमेल आईडी रहता है और यहाँ पर एक्टिवेशन कोड भी आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपके ईमेल आईडी पे ही एक लिंक होगा, यहाँ पर क्लिक हियर टू वेरीफाई एक्टिवेट, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। या फिर अगर आपको यहाँ पर कोई मेल नहीं आया और आपके पास SMS में एक OTP आएगा, वो OTP आपको यही सेम टाइप से रहेगा, तो यहाँ पर आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना होगा, यहाँ पर बैक टू होम पेज कर लेते हैं और एक्टिवेट योर अकाउंट पर क्लिक करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको इंटर योर एक्टिवेशन कोड, जो आपको कोड मिला है वो यहाँ पर ये कोड है, कॉपी करिएगा कोड यहाँ पर डालने पर। ये सेम कोड आपको अपने मोबाइल फ़ोन पे भी मिलने वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये सेम कोड आपको आपके मोबाइल फ़ोन पे कुछ इस फॉर्मेट में मिलेगा और आपके ईमेल आईडी पे भी कुछ इस फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद ये आपका जो अकाउंट है वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है, तो वापस से आपको जो डिफ़ॉल्ट पेज है वहाँ पर लेके आ जाता है। देन आफ्टर आपको करना क्या है कि यहाँ पर लिखा है कि एग्जिस्टिंग यूज़र, तो साइन इन पे यहाँ पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर सबमिट करते हैं तो यहाँ पर आपको जो डैशबोर्ड है लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आपको डैशबोर्ड दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना माई एप्लीकेशन वहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब क्लिक करने के बाद आपको आपका जो मेन चीज़ है मतलब एप्लीकेशन के स्टेटस के लिए आपको मेन चीज़ ये होता है कि आपका कोर्स कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको कोर्स टाइप मतलब कि UGPG के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, और स्कूल कॉलेज कौन सा कॉलेज में यहाँ पर आप अपना अप्लाई करना चाहते हैं। तो जैसे मान लो मैं कोई ऐसे रैंडम कॉलेज में यहाँ पर सिलेक्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं इसको आगे प्रोसीड नहीं करूँगा। और सिलेक्ट कोर्स बैचलर ऑफ आर्ट, सिंपल यहाँ पर टिक करना और एड द कोर्स पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर 6 यहाँ पर प्रोसेस है वो आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहले कि एप्लीकेशन का डिटेल्स, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। ऐसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो नेम है, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, सब प्री डिफॉल्ट पहले से भर के आया रहेगा। और कैटेगरी आपको सिलेक्ट कर देना है कि कैटेगरी कौन सा है कैटेगरी, और आपका जो फिजिकल चैलेंज्ड है कि नहीं है, तो नहीं होना चाहिए, अगर होंगे तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके लिए आपको अपना सेहत सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ सकता है। नेशनलिटी इंडियन, हिंदू, यहाँ पर लिखा हुआ कि एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, ये उन लोगों के लिए है जो यहाँ पर कोई दूसरे बोर्ड से या फिर दूसरा स्टेट है वहाँ से अपना 12 का परीक्षा पास किया और यहाँ पर आके पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए उनके कॉलेज से उनके स्कूल से एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिससे आप यहाँ पर ये अपलोड कर सकते हैं। अगर आप यहीं के हैं तो यहाँ पर आपको सिंपली नो पे यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो इसके बाद आता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपको आपके स्कूल की ओर से एक रिजल्ट के साथ में एक सर्टिफिकेट मिला होगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, उसको आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो अपलोड करने के लिए यहाँ पर प्लस सेलेक्ट करना है कि यस है या नहीं है उसके लिए, तो मान लो है तो यस करें और नहीं है तो यहाँ पर नो पे क्लिक कर सकते हैं। और परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आपको फिल करना होगा कि आपका एड्रेस क्या क्या है। अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस और अभी जो एड्रेस जहाँ पर आप रह रहे हैं दोनों सेम है तो यहाँ पर आप सेम पे क्लिक कर सकते हैं। अगर दोनों चीज़ अलग अलग है तो यहाँ पर आपको दूसरा एड्रेस जहाँ पर अभी आप रह रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ पर आपको डालना होगा। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर कंफर्म करता है। देन आपको एक बार वापस अच्छे से चेक कर लेने के बाद आपको नीचे आना है और सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर यह जाने के बाद यहाँ पर आपको एक टिक मिल जाता है कि एप्लीकेशन डिटेल्स आपका कंप्लीट हो चुका है। फिर आता है ऑप्शन अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर का, तो आपको अपना एक सिंपल जो फोटो है 4.5 cm x 3.5 cm का, जो इसका साइज़ कम से कम 100 KB होना चाहिए और JPG और या फिर JPEG फॉर्मेट में ही होना चाहिए। तो इसके लिए आप जो नोटिफिकेशन है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो मेन इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर आपको दिखाई दिया जाएगा कि आप इसको आराम से जाके पढ़ सकते हैं। इसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जिससे आप डायरेक्टली जाके इसको पढ़ सकते हैं, ये जो नोटिस है उसको। यहाँ पर आपको फाइल चूज़ करना है,
जैसे वाला पिक है इसको अब करना है और अपलोड फोटो पे क्लिक कर देंगे तो आपने फोटो अपलोड हो चुका है। और सिग्नेचर के लिए यहाँ पर दोनों चीज़ें अपलोड करने के बाद आपको नीचे यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आता है ऑप्शन यहाँ पर एकेडमिक डिटेल्स वाला सेक्शन भरने का। तो यहाँ पर जो आपका टेंथ में बोर्ड क्या था वो यहाँ पर आपको डालना है। ईयर ऑफ पासिंग आपने कि आपने यहाँ पर टेंथ पास कब किया था और स्कूल या फिर कॉलेज का जो नेम है वो यहाँ पर आपको डाल देना होगा। और डिग्री ग्रेड कौन सा ग्रेड आया था, तो जैसे मान लो मैं ग्रेड सी था, टोटल मार्क्स मान लो 600 का आया, तो 600 में मैंने तो मान लो मेरा नंबर सिर्फ 200 ही था एग्जैक्ट नंबर। और यहाँ पर 33.3% और रोल नंबर यहाँ पर आपको डाल। और यहाँ पर वैसे 10+2 मतलब 12th का आपको यहाँ पर डिटेल फिल करना है। ओके, तो ये डालने के बाद आपको नीचे ऑप्शन आता है सेव एंड प्रोसीड पर, तो वहाँ पर क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ पर ऊपर आता है पॉपअप है कि प्लीज़ रिकन्फर्म डैट योर फील्ड एकेडमिक डिटेल्स प्रॉपरली, वेट लिस्ट वुड बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑफ डेटा एंटर्ड बाय यू, सो नो फर्दर क्लेम्स ऑफ चेंजिंग विल बी एंटरटेन। मतलब आपको एक बार वापस से चेक कर लें कि आपका जो डिटेल डाला है, आपने जो अपना नंबर डाला है वो सही है कि नहीं, क्योंकि आपको जो सिलेक्शन होने वाला है मेरिट बेस पे होने वाला है कि आपको जो मार्क्स है वो कितने कितने हैं, उसके हिसाब से आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेंगे। तो यहाँ पर ये करने के बाद अब ओके पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आता है नीचे अगला सेक्शन जिसका नाम है डॉक्यूमेंट डिटेल्स, और यहाँ पर आपको अपना 10th का और 12th का और माइग्रेशन पे आपने यस किया है तो यहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको मांगने वाला है। अगर आपके पास ये जो ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास नहीं मिला है तो आप जो ऑनलाइन सीट निकलता है मार्कशीट का उसको भी आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, यहाँ पर ये अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं कोई भी ये वाला जो सर्टिफिकेट हमने डाउनलोड किया था वो, और मान लो आप अगर आपका जो ओरिजिनल होगा जो मार्कशीट है तो ओरिजिनल पे क्लिक करिएगा और मार्कशीट सर्टिफिकेट का नंबर, उसमें मार्कशीट में कुछ नंबर होगा वहाँ पर आपको, जैसे मार्कशीट में यहाँ पर ऊपर तरफ कुछ सीरियल नंबर होगा वो आपको यहाँ पर डाल देना है और अपलोड पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे वापस से पेज रिफ्रेश होगा और यहाँ पर एक आपको लिंक मिल जाएगा जिसके थ्रू आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, ये आपको जो सर्टिफिकेट उस टाइप से यहाँ पर देख सकते हैं। सो जाते हैं यहाँ पर 10+2 में, जैसे मान लो मैं सेम वही डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूँ और मान लो ये आपके ओरिजिनल नहीं है, मतलब आपने यहाँ पर इसका इंटरनेट से कॉपी नहीं किया, तो आपको सेकंड ऑप्शन चूज़ करना है और यहाँ पर आपको उसका जो कुछ नंबर होगा सीरियल नंबर होगा पर डाल देंगे, अगर ना हो तो रोल नंबर भी यहाँ पर डाल सकते हैं। ये डालने के बाद आपको अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट चूज़ करना है। पूरी तरीके से अपलोड करने के बाद यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आता है मेन सेक्शन जहाँ पर है कि सिलेक्ट सब्जेक्ट और सब्जेक्ट ग्रुप, कौन सा सब्जेक्ट आप यहाँ पर चूज़ करना चाहते हैं। तो भी पहले ही डाल देते हैं और इकोनॉमिक्स डाल देते हैं और इंग्लिश लिटरेचर डाल देते हैं और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ऊपर यहाँ पर लिखा कि हिंदी इंग्लिश और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ आर कंपलसरी, मतलब आपको ये जो हिंदी इंग्लिश और पर्यावरण वाले विषय है वो आपको कंपलसरी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको 3 यहाँ पर सब्जेक्ट चूज़ करने का ऑप्शन होता है। वैसे अगर आप यहाँ पर साइंस वाला तो आपको सेम इस टाइप से इंटरफेस मिलेगा और आप अपना सब्जेक्ट मनचाह चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। ये क्लिक करने के बाद आपका ये जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और आपको यहाँ पर आपका नाम दिखाएगा, आपका फादर का नाम, यहाँ पर आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह, और आपको मेन सब्जेक्ट क्या क्या चूज़ किया वो आपने यहाँ पर अपना जो आपका एकेडमिक स्टेटस क्या था वो सब है। कंफर्म एंड सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपका जो ये फॉर्म है वहाँ पर कम्प्लीटली यहाँ पर फिल हो चुका रहेगा और आपको कंफर्म करना है। उसके बाद ये वाला एक प्रिंट जैसा एक फॉर्म निकल के आएगा और नीचे यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन रहेगा और प्रिंट करने के बाद आपको अपना जो ये डॉक्यूमेंट है उसको अपने फ़ोन पे ही रख ले या फिर अगर अच्छा हो तो आप यहाँ पर कहीं पर से कैफ़े में जा कर के इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टाइप से आप ये प्रोसेस फॉलो करके अपना जो फॉर्म है एडमिशन का वो फिल कर सकते हैं और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी फ्रेंड के साथ में जो यहाँ पर फर्स्ट ईयर में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं दुर्ग यूनिवर्सिटी में।